जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जयपुर गर्ल्स फिटनेस क्लब। आज हम लोग बात करेंगे शिन पेन के बारे में कि शिन पेन होता क्या है, स्प्लिट पेन इसको दूसरे वर्ड्स में कहते हैं, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। हम लोग उसके कुछ उपाय आप लोगों को बताएंगे, ट्रीटमेंट आप लोगों को बताएंगे और इसके कुछ कॉजेज और सिम्टम्स है जो हम लोग पिछले वीडियोज़ में आप लोगों को बता चुके हैं। तो आप लोग अगर इसके सिम्टम्स जानना चाहते हैं तो हम लोगों का पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, उसका मैं लिंक आपको नीचे पेज पे डिस्क्राइब कर दूंगी, तो आप उस पर जाके इन सब के बारे में बात कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि शिन पेन को ठीक कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, उससे पहले हम लोगों का जो वीडियो है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोगों को शिन पेन के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है ये भी आप लोगों को पता चलेगा। हम लोग आज बात करते हैं शिन पेन के बारे में। तो हमारे शरीर में कई प्रकार के दर्द होते हैं और उन कई दर्दों में से एक दर्द होता है पिंडली का दर्द, यानी कि शिन पेन या फिर स्प्लिंट पेन। जो दो ये शिन पेन जो होता है वो कई लोगों को इतना परेशान कर देता है कि वो चलते फिरते भी उनमें दर्द होने लग जाता है, सोते वक्त भी उनके दर्द होता है या फिर खेलते वक्त भी उन लोगों के दर्द होता है। तो शिन पेन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि शिन पेन होता क्या है और उसको ठीक करने के क्या क्या उपाय हैं हमारे पास, कि किस तरीकों से हम लोग शिन पेन को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, पिंडली में ऐंठन की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लाइक उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जैसे हम लोगों का मौसम चेंज होता है, लाइक जैसे रेनी सीजन हो गया या फिर विंटर सीजन आएगा, तो हम लोगों को इस टाइम पे इन दो सीज़न में हम लोगों का जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाता है। उस टाइम पर तो हम लोगों से उठा भी नहीं जाता, इतना दर्द होने लग जाता है। तो आप अगर इस पेन को छुटकारा पाना चाहते हैं इस पेन से, तो अपनी जो दिनचर्या है चेंज करना पड़ेगा। हम लोगों को अपने खाने पीने पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग कुछ गलत नहीं खाएं। हम लोगों को सुबह उठ के वॉक तो ज़रूरी करनी है शिन पेन की वजह से, उसे ही ठीक हो सकता है। और किसी वजह से बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई और वजह से शिन पेन ठीक होगा। अदरवाइज वो कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काट सकता है, तो हम लोगों को दर्द किस वजह से होता है, दौड़ने की वजह से। और वो ठीक भी किस वजह से होगा, दौड़ने की वजह से ही वो ठीक हो पाएगा। जो हमारी मांसपेशियों में जो खिंचाव आता है मेन, तो वही होता है पिंडली के दर्द का कारण। जो हमारे मांसपेशियों में जो खिंचाव आ रहा है उसी की वजह से जो पिंडली का दर्द होता है वो उत्पन्न होता है। ये मोस्टली रात के समय में बहुत ज़्यादा हो जाता है। रात को जब हम लोग सोते हैं तो उस वक्त इसका जो खिंचाव होता है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा दर्द सहन करना पड़ता है। शिन पेन ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो डेस्क जॉब की जॉब करते हैं या फिर जो कसरत कभी नहीं करते, उन लोगों को शिन पेन की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बैठे रहते हैं तो बैठे रहने से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो एक जगह रुक जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को शिन पेन की जो प्रॉब्लम है उसको फेस करना पड़ सकता है। आज हम लोग आपको बताएंगे कि शिन पेन को कैसे कम किया जा सकता है, उसका इलाज क्या हो सकता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और ये जानकर आपको आपका जो शिन पेन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो उसके लिए जो फर्स्ट हम लोगों के पास उपचार है यानी कि ट्रीटमेंट है, वो सबसे पहला है पानी। सुबह उठ के जितना हम लोग पानी पी सके, यानी कि 2 ग्लास तो पक्का है, 2 ग्लास हम लोगों को डेली रूटीन में ले लेना है, कि मॉर्निंग में उठते हम लोगों को 2 ग्लास पानी ज़रूर पीना है, क्योंकि वो शिन पेन को ही कम नहीं कर सकता, वो हम लोग की जो बॉडी में सारी प्रॉब्लम्स हैं उसको कम कर सकता है। क्योंकि जो हम लोग वाटर पिएंगे उससे हम लोगों की जो शरीर में नमी होगी वो ज़्यादा बनेगी, और जिससे हम लोगों का शरीर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही से होगा हम लोगों का। तो सुबह सुबह हम लोगों को पानी ज़रूर पीना चाहिए 2 ग्लास। तो पानी पीने से हम लोगों को काफ़ी हद तक शिन पेन से छुटकारा मिल सकता है। दूसरा जो पॉइंट है वो हम लोगों का है मालिश। जहाँ पे हम लोगों को शिन पेन हो रहा है उस जगह हम लोग अगर किस तेल की, तेल में बताऊंगी आप लोगों को, उस तेल की अगर आप लोग मालिश करेंगे तो आप लोगों को उससे सुकून ही नहीं होगा, जबकि उससे बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे आपको उस मालिश करने से। तो अब हम लोग बताते हैं कि मालिश करने से होता क्या क्या। मालिश करने से हम लोगों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज होता है, थोड़ा सही से चलने लग जाता है, जिससे हम लोगों के शिन पेन होने शंका जो होती है कम हो जाती है। और इससे हमारी मांसपेशियों में गर्माहट उत्पन्न होती है, और गर्माहट उत्पन्न होने के कारण हमारे अंदर जो लैक्टिक एसिड जो होता है उसके दूर होने की आशंका भी ज़्यादा हो जाती है। अब हम लोग बताते हैं मांसपेशियों को जो मालिश करने का जो तेल होता है वो कौन कौन से तेल होते हैं।
तो उसके लिए पिपरमेंट समेत हम लोग अदरक का तेल यूज़ कर सकते हैं, या फिर लेवेंडर का तेल यूज़ कर सकते हैं, या फिर सरसों का तेल जो होता है वो तो बेस्ट होता है, हम लोगों के हर घर में मिल जाता है सरसों का तेल। तो उसको गर्म करके उसके अंदर थोड़ा सा जो लहसुन होता है गार्लिक, उसको हम लोग गर्म करेंगे और फिर उसको ठंडा करके हम लोग अपनी पिंडलियों पर उसकी मालिश करेंगे, तो उससे हम लोगों को इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जो थर्ड ट्रीटमेंट है हम लोगों का, वो बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है। किसी किसी शॉप पे नहीं जाना, उसके लिए हम लोगों को कहीं नहीं जाना, वो हमारे घर में ही उपलब्ध है। वो है स्ट्रेचिंग। जितना हम लोग अपने हाथ पैरों को स्ट्रेच करेंगे, हाथ पैरों को, या फिर अपने यहाँ पे हम लोग अपने पैर को ऊपर लेना है, नीचे लेना है, और ये घर पे हम लोग आराम से कर सकते हैं। और शिनपेन होने का मोस्ट जो रीज़न होता है वो यही होता है कि हम लोग घर बैठे रहते हैं और कुछ करते नहीं हैं, इसकी वजह से हम लोग को शिनपेन होता है। तो अगर हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते रहें अपने मॉर्निंग में, अगर टाइम नहीं मिलता तो इवनिंग में कर लें, और इवनिंग में टाइम नहीं लगता तो मॉर्निंग में कर सकते हैं हम लोग। लेकिन दिन में एक बार हम लोगों को एक्सरसाइज पक्का करनी चाहिए, जिससे हम लोगों को शिनपेन नहीं होगा। और व्यायाम हम लोगों को करने ही करने चाहिए, क्योंकि व्यायाम करने से हम लोगों की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो सही से सर्कुलेट होती हैं, वो अपना कार्य फिर सही से करने लग जाती है मांसपेशियाँ, जिससे शिनपेन दूर भी हो सकता है। रीज़न यही है शिनपेन होने का, स्ट्रेचिंग ना करना। तो आप लोग स्ट्रेचिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से शिनपेन को दूर किया जा सकता है। थर्ड ट्रीटमेंट है हम लोगों का, वो होता है हीट थेरेपी। हीट थेरेपी एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है हम लोगों को शिन पेन को दूर करने के लिए। लेकिन ये करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट है। तो वो ट्रीटमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो शरीर को हीट देने के लिए हम लोगों को एक हीटिंग पैड की आवश्यकता पड़ती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक या फिर माइक्रोवेव हीटिंग पैड होता है। जो दूसरा होता है वो हॉट वाटर बॉटल होती है, उसकी सहायता से हम लोग हीट ले सकते हैं। और जो तीसरा होता है वो जेल जेल पैक्स जो होती है, उससे हम लोग इन तीन चीज़ों का यूज़ करके हम लोग अपने शरीर को हीट दे सकते हैं। लेकिन हीट उसी मात्रा में देनी चाहिए जिस मात्रा में उस जगह को हीट की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं ये मानती हूँ कि डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उसके बाद में ही हीट थेरेपी अपने पैर पे या फिर पिंडलियों पे यूज़ कीजिए, जिससे आप लोगों को शिन पेन की जो समस्या है वो आसानी से दूर हो सके। वो हम लोगों का है प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए और उसको रिपेयरिंग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन की वजह से हम लोगों की जो मांसपेशियाँ हैं, मसल्स हैं, और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही तरीके से चलता है, जिससे हम लोगों को शिन पेन की जो आशंका होती है वो बहुत ही कम होती है। तो प्रोटीन में हम लोगों को क्या क्या लेना चाहिए, तो प्रोटीन में अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो स्प्राउट्स ले सकता है, दालें ले सकता है, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो अंडा भी ले सकता है। तो और अगर कोई काम कर रहा है, मतलब जो कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, और किसी जो मतलब उसका जो डेली रूटीन है वो बहुत ही बिजी है, तो उसको इन तीनों चारों चीज़ों की बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी ऊर्जा मांगती है। कोई हम लोग काम करते हैं, कोई मेहनत का काम करते हैं, तो उसमें हम लोग को ऊर्जा यानी कि पावर मांगती है, तो उस पावर को जो ये प्रोटीन्स है वो पूरा करती है। तो इस तरीके से हम अपने शरीर को बनाए रखने के लिए और उसको रिपेयर करने के लिए हम लोगों को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जो हम लोगों का सिक्स पॉइंट है वो हम लोगों का है लाल मिर्च का पाउडर। हाँ दोस्तों, ये आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपको कहीं शिन पेन हो रहा है और अगर आप वहाँ पे अगर लाल मिर्च का पाउडर की मालिश कर देते हैं, या फिर लाल मिर्च का पाउडर लगा देते पेस्ट बना के और रात तक रख देते हैं, तो वो शिन पेन ठीक हो जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ रेड चिली का पाउडर आपको ठीक नहीं करेगा, तो आप उस पाउडर और पेस्ट में आप जैतून का और नारियल का तेल मिक्स करके आप उस पेस्ट को लगा सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है शिन पेन को दूर करने के लिए, वो भी होम रेमेडी है ये एक। मेन जो है ट्रीटमेंट वो है हमारे शूज़। अगर हमारे शूज़ गलत हैं तो हमारे शिन पेन होगा ही होगा। तो इसके लिए आप जो अपने शूज़ का सिलेक्शन करें तो वो बहुत ही सोच समझ के करें। अपने जो शूज़ की सोल होती है नीचे वाली, बहुत ही लाइट होनी चाहिए। अगर हम लोगों की जो हैवी होगी सोल, तो उससे हम लोगों को शिन पेन होगा, क्योंकि हम लोगों जो मांसपेशियाँ वो खींचेगी, और जो उस खींचने से हम लोगों को शिन पेन की असंभावना ज़्यादा हो जाती है। तो मेरा मानना है दोस्तों, अगर आप लोग शूज़ अगर आप परचेस करते हैं कहीं मार्केट से,
तो वो उसकी जो सोल है वो देख के खरीदें, और उसकी जो सोल है वो बहुत ही लाइट होनी चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट है, 8th पॉइंट, वो हम लोगों का है व्यायाम। तो व्यायाम हम लोगों को डेली करना चाहिए, सुबह नहीं तो शाम को, शाम को नहीं तो सुबह। व्यायाम करने से हम लोगों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही रहता है, जिससे हम लोगों का शिमपेन है वो कभी नहीं होगा और जो है वो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे ये चैनल पसंद आया हो, मेरी शिमपेन के बारे में कुछ ट्रीटमेंट्स है वो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। और प्लीज़ दोस्तों, मेरी जो बेल आइकन है मेरे चैनल की, उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे हम लोगों का जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। और प्लीज़ दोस्तों, आप तो हमारे वीडियो के साथ अपडेट रहिए, जिससे हम लोगों को भी फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी, मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को भी फ़ायदा हो मेरी इन छोटी छोटी बातों से। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।